कक्षा षष्ठ के सभी भैया बहने ध्यान देंगे। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल का ये चौथा अध्याय है मानचित्र। आप देखते हैं मानचित्र, ठीक है मानचित्र। इसके पहले हम लोगों ने पृथ्वी की गतियां पढ़े, पृथ्वी कैसे गति करती है और इस गति के परिणाम स्वरूप क्या होता है कौन बताएंगे? चलिए हम लोग जरा इसका आकलन कर लें। ये आप लोगों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा, बोलिए। आप बोलिए, ठीक है बोलिए। दिन और रात बनता है, ठीक ठीक बताइए। पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है? दिन और रात बनता है। पृथ्वी कहाँ गति करती है बताइए? चलिए बोलिए स्नेहा, अपने बिंदु पर, ठीक है। इन्होंने उत्तर बताया अपने किली पर, अपने बिंदु पर, अपने धुरी पर, यह बात ठीक है। और पृथ्वी के गति करने के परिणाम स्वरूप और क्या क्या बनता है आप बताइए मानसिंह? दिन और रात, ऋतुएं बनती हैं, ठीक है। मौसम, हाँ आप बताइए, मौसम का निर्माण होता है, ठीक है। आप लोगों ने जो जो चीज बताया वो सही बताया। एक चीज और, हम लोग एक पृथ्वी काय के प्रतिमूर्त एक ग्लोब के माध्यम से हम उसको सीखा था कि पृथ्वी पर हम ग्लोब का एक दर्शन करते हैं, उस पर तमाम प्रकार के हर प्रकार के देशों का एक विवरण विधिवत रूप से दिया रहता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमको पूरे देश, पूरे राष्ट्र या पूरे हमारे संसार का हम जब अध्ययन करना होता है तो हम ग्लोब मानचित्र का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि हमको अपने राष्ट्र का या अपने जनपद का या अपने प्रांत का अध्ययन करना होता है तो क्या भैया बहनों इतने छोटे स्थान का अध्ययन हम ग्लोब पर कर सकते हैं? बोलिए, नहीं समझ रहे हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। आप सही उत्तर बताया, नहीं कर सकते। जैसे कोई रोग हाई डोज से ठीक होने वाला है तो क्या उसको हम कम डोज दे करके उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है मानचित्र, अच्छा इसके पहले भैया बहनों कुछ हमारे भैया बहने अभी नए भी जुड़ रहे हैं व्हाट्सएप पर, क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप नंबर ही नहीं था तो वो अपनी घबराएंगे नहीं, वो इसके प्रति आप मतलब कोई चिंतन नहीं करेंगे, आप मतलब कि ये भैया बहनों से काफी ले करके और एक दो पार्ट पढ़ाया गया है इसको आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे और आप फिर ठीक कर लेंगे, ध्यान देंगे। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं मानचित्र, पूरी गौर से ध्यान देंगे, सुनेंगे ठीक से, तब जाकर के आपको याद होगा और ठीक से ज्ञान होगा। एक चीज और, जैसा कि हमने पहले बताया था कि भूगोल क्या है, तो पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के अंदर, ठीक है, केवल पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के अंदर आंतरिक शक्तियों से लेकर के और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। अब पृथ्वी के अंदर क्या अध्ययन करते हैं, कौन से मेटल्स हैं, पानी है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, कोयला है, और पृथ्वी के ऊपर सूर्य है, नवीकरणीय संसाधन, वृक्ष हैं, ये तमाम प्रकार के जो पर्यावरण पर जो हमारे विद्यमान है इसका अध्ययन करते हैं। किसी देश के मानवीय विकास, वहां के उद्योग धंधे, वेशभूषा, खान पान, उद्योग इत्यादि का अध्ययन हम करते हैं। यह हमको बताना चाहिए, कोई पूछे कि भूगोल किसे कहते हैं तो आप बौने न रहे,
बताया कि भूगोल हम पृथ्वी के बाह्य तत्वों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के बाहर का अध्ययन करते हैं, मानव के विकास और उनके रहन सहन का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से जब सामाजिक विज्ञान में कोई इतिहास पूछता है कि इतिहास किसे कहते हैं, तो आप बताएं कि इतिहास पुराने घटनाओं का, अतीत के घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि मानचित्र तब क्या करते हैं कि एक हम बड़े तथ्यों को लेकर के पूरे संसार और राष्ट्र का अध्ययन करना होता है तो ग्लोब मानचित्र के द्वारा उसकी सहायता से हम अध्ययन करते हैं। परंतु जब हमको छोटे जैसे अपने जनपद के मानचित्र, अपने जनपद के स्थितियों का हमको आकलन करना होता है तो क्या जनपद ग्लोब पर दिखाई पड़ता है? बोलिए, प्रति बोलो नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके लिए मानचित्र का उपयोग करते हैं। एक छोटी मानचित्र बनाते हैं और उस पर बनाते हैं। जैसे आप अपने घर का मानचित्र बनाइए, आप अपने एक फुलवारी का मानचित्र बनाइए, एक कुएं का बनाइए, एक पेड़ का बनाइए, ये क्या है, ये सब मानचित्र है। तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं। अब देखिए, तो मानचित्र जो है, हम एक भाग अर्थात मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, चपटी सतह पर खींचा गया चित्र अर्थात वो ग्लोब नहीं, एक सतह पर खींचा गया चित्र वो मानचित्र कहलाता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम अपने दर्शाए गए तथ्यों का अध्ययन करते हैं, आकलन करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि लेखपाल और पटवारी एक गांव का मानचित्र, एक कपड़े के जो एक बना होता है, जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड है या आपका ये किताब है, पुस्तक है, इससे कुछ बड़ा रहता है और उसी पर दूरियों के हिसाब से मानचित्र बना होता है। मान लीजिए कि आपका वो गांव 5 किलोमीटर में बसा हुआ है, तब उसको क्या मानेगा, 2 सेंटीमीटर और या 5 सेंटीमीटर के उस खाके पर, उस पैमाने के आधार पर उसको मानता है। तो हम क्लियर कर दिए कि मानचित्र किसे कहते हैं, अर्थात पृथ्वी या उसकी सतह पर एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। अब ये मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमैटिक मानचित्र। आप देखिए, भौतिक मानचित्र, हमारा ये शरीर क्या है, भौतिक है, यह रहने वाला नहीं है, ये नाश्वर है, इसलिए इसको भौतिक शरीर कहा गया। इसलिए मानचित्र भी ये क्या होता है, बदलता रहता है। अर्थात पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि का दर्शन करने वाला मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाता है या ऊंचावच मानचित्र कहलाता है। नीचा है, ऊंचा है, खाई है, पर्वत है, पठार है, नदी है, नाले, ये क्या है, इसका चित्र बनता है, ये भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। अब राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र का मतलब कि जैसे आपके विभिन्न प्रकार के जो मैप होता है, नक्शा, उस पर जो कैलेंडर के माध्यम से होता है वो रहता, तो उसको हम दर्शाएंगे क्लास में कि ये राजनीतिक मानचित्र है, ये भौतिक मानचित्र है, ये सांस्कृतिक मानचित्र है, कब कब हमारा भारत देश कैसे, हमारे देश से कौन कौन से भाग कटा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कट करके कैसे अलग हुआ और कब एक था, इसका अध्ययन हम उस मानचित्र से करते हैं। तो इसलिए राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अर्थात उस पर देश नहीं होगा, गांव होगा, शहर होगा, नगर होगा, अपने राज्य के विभिन्न प्रकार के
जो तथ्य होगा उसको उस पर दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थीमैटिक मानचित्र, ये थीमैटिक मानचित्र भैया बहनों ये थोड़ा सा कठिन है, ये समझते हैं कि थीमैटिक मानचित्र क्या है भाई। आप देखिए, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र। अब देखिए, जब वर्षा होगा तो उसका मानचित्र हम कैसे बनाएंगे, यह भी बनाने वाला भूगोल शास्त्री होगा, जिसको उसको मापता है उस मानचित्र को बनाता है। वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, इसको हम क्या कहते हैं, इसको थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, गांव के खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, कुएं, नाले, वृक्ष और भवन इत्यादि का जो दर्शाता है भौतिक मानचित्र। इसलिए जो थीमैटिक मानचित्र है वो क्या करता है, तो गांव के क्या में जो वर्षा होता है, या हमारे गांव के बाहर जो वन है, जो हमारा उद्योग धंधे हैं, ये गांव में किस प्रकार का डेयरी उद्योग है, या कुछ जो है कहीं खेल के मैदान का ये जो चित्र है, इस प्रकार के ऐसे मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। अब इसमें देखा गया कि दूरी, दूरी बताया गया कि दूरी से तात्पर्य है कि किसी चित्र को हम बनाते हैं तो वो पहले, जैसे गांव बड़ा है तो उस गांव को एक छोटे पैमाना लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लिया कि ये 500,000 किलोमीटर बराबर 5 या 2 सेंटीमीटर, ये मापक पैमाने पर हम उसको मान लेते हैं। मान लेने के बाद उसका उसी के आधार पर हम उसको दर्शाते हैं। जैसे हम टीवी पर देखते हैं, टीवी एक हाथी से बड़ा नहीं है, लेकिन भैया बहनों टीवी पर क्या होता है, एक हाथी का हम चित्र देखते हैं तो हाथी उसी आकार में जैसे हम बाहर देखते हैं ऐसा दिखाई पड़ता है। एक छोटे टीवी में क्या हाथी टीवी के बराबर है, नहीं है, परंतु उसमें हम उसका चित्र देखते हैं तो वह उसका पैमाना छोटा लिया जाता है, परंतु वो हाथी हमें बड़ा दिखाई पड़ती है, उसी स्थिति में दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से उस खाके पर मानचित्र बनता है एक छोटे दूरी लेकर के, परंतु वो क्या होता है, बड़े दूरी को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दूरी का आकलन करता है, जैसे कहता है ना छोटे पैमाने वाला मानचित्र, इसे हम कहते हैं। इस प्रकार से हम उस दूरी को उस प्रकार से आकलन करते हैं। अब देखते हैं कि एक गांव का इसमें चित्र दिखाया गया है, बाग है, बागवानी है, पेड़ है, ये दुकानें हैं, ये कैसे पीओ है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर करीम का घर है, शीला का घर है, विकास का घर है, ये तमाम प्रकार के फलों उद्यान है। ठीक है, इस प्रकार का चित्र आपको दिखाया गया है, यही हमारा मानचित्र है। इसको भैया बहनों क्या करेंगे, इसको अपने सादे कॉपी पर बनाएंगे, आपको होमवर्क में दिया गया है। अब ये दिशा, दिशा ज्ञान करने वाला एक हम इस प्रकार के ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, 90-90 अंश का कोण बन जाएगा, उसमें उत्तर क्या है, आपको ग्लोब पर हम दिखाए थे कि उत्तर दिशा ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूरब इसके बाएं होता है और पश्चिम इसके दाएं होता है। ठीक है, ऐसे एक वृत्त बना करके उस ग्लोब में दिखाया गया था कि प्रधान रेखा क्या है। ठीक है, और ये जो रेखा बीचों बीच भाग में ग्लोब से जाता है उसको क्या कहते थे, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। ठीक उसी प्रकार से यह रेखा आपको बताया गया है, बनाया गया है, इसका भी चित्र आपको बनाना है, आसान है, आप बना लेंगे। दिक सूचक, ये दिशा ज्ञान करने वाला, ये दिक सूचक बिंदु अर्थात प्रधान दिक सूचक किसे कहते हैं। अब देखो, प्रधान दिक सूचक, ये प्रधान दिक सूचक है जो आपको ये बीचों बीच भाग में ये दिखाया गया है, ये प्रधान दिक सूचक, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है, ये पूरब से पश्चिम की ओर खींचा गया है। ठीक है, तो ये हमारा जैसे ये चार मुख्य दिशाओं को बताया गया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, इसको हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से एक दिक सूचक
यंत्र बनाया गया है। ठीक है, ये जो है ये विज्ञान में भी इसको दिखाया जाता है, ये दिशा जो है उत्तर दिशा को संबोधित करता है, इंडिकेट करता है, दिखाता है। इसको जो है हम एक चित्र बनाएंगे और इसका मुख्य काम है कि हम कहीं जाते हैं या कहीं कोई हवाई जहाज या अपने उड़ान लेती है तो उन्हें दिशाओं का ज्ञान ये यंत्र कराता रहता है। अब आते हैं हम प्रतीक। प्रतीक क्या है? प्रतीक मतलब कि एक नमूना। ठीक है, ये इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो ये सांस्कृतिक चिन्ह का प्रतीक है, ये आर्थिक का प्रतीक है, ये गरीब का प्रतीक है, ये अमीर का प्रतीक है। अब देखो तो ये प्रतीक मैंने क्या, उसका मॉडल, उसका नमूना एक मान लेते हैं। जैसे हम देते हैं कि सड़क का प्रतीक क्या है, तो सड़क का एक हम ये बना लेते हैं खाका चित्र कि यह ऐसे होगा मानचित्र में तो हम सड़क मानेंगे, ऐसे हमारा प्रतीक होगा तो हम कुआं मानेंगे, ऐसे प्रतीक होगा तो हम रेलवे लाइन मानेंगे, ऐसे प्रतीक होगा तो हम गिरजाघर मानेंगे, ऐसे प्रतीक होगा तो हम पेड़ मानेंगे। इस प्रकार से ये जो प्रतीक है ये इसमें दर्शाया गया है। अर्थात यदि किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में भिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुएं को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम उसे एक प्रतीक मान लेते हैं और प्रतीक मान करके उसी को हम नक्शा पर दिखाते हैं। और तब हम यदि बड़े नक्शे पर जब दिखाते हैं तो कहीं कहीं ये चीजें आता है तो हम जान जाते हैं कि देखो ये इस गांव में इतने पेड़ दिखाया गया है, इतने मकान दिखाया गया है, ठीक है, इतने कुएं दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे ये लाल दिखाया गया है तो ये कब्रिस्तान है, ये आपका पेड़ दिखाया गया, ये घास दिखाया गया। अर्थात एक हम प्रतीक मान लेते हैं। इसको भैया बहने सब लोग समझ रहे हैं ना, ये कोई बहुत कठिन नहीं है, इसको आपको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रतीक चित्र है जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं। आप देखते हैं कि यह चित्र जो है आप एक सुदूर गांव और उसके आसपास के क्षेत्र का है जिससे होकर के कुछ रेलवे लाइन एक जाती है। कुछ गांव ऐसे होंगे जिनके नजदीक से होकर के रेलवे लाइन गई है, सड़क भी गया है, ऐसा ये दर्शाया गया है। जैसे एक डुमरी गांव है, बसंतपुर है, ठीक है, सुंदरपुर है, इस गांव में कैसे हमारे सड़क गए हैं, कितने वृक्ष हैं, कितने हमारे विद्यालय हैं, कैसे भवन हैं, कैसे गिरजाघर हैं, मंदिर है, इस चित्र को हम लोग बनाएंगे भी और बना करके और सुंदर से इसको यथा रंग से रंगेंगे। ऐसा नहीं कि हम चित्र बना देंगे छोड़ दिए, जैसे बनाया गया वैसे सुंदर से बैठ करके दोपहर में और सुंदर से चित्र को बनाएंगे, मन लगाकर बनाएंगे। हाँ, इसका पैमाना भी लिख लेंगे, जैसे लिखा गया ना ये कि ये तीन, एक दो तीन चार, चार लाइनें खींचा गया है, किलोमीटर और एक किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर का कितने सेंटीमीटर मान करके, मान लो कि ये पांच चार किलोमीटर होगा तो चार क्या क्या है, ये कम दूरी को मान लिया गया है। ठीक है, बड़ा गांव होगा और बड़े गांव क्या क्या है, इतने में दर्शा दिया गया है, यही हमारा दूरी है जो हम लोग ने पढ़ा कि पैमाना क्या है, दूरी क्या है। तो एक गांव के, एक लंबे चौड़े गांव के अर्थात बहुत बड़े गांव को हम एक छोटे एक पेज के भी कम आधे दूरी पर दर्शाए हैं, यही हमारा दूरी का आकलन करता है। प्रतीक कह जाते हैं कुछ रूढ़ चिन्ह, इसको हम रूढ़ चिन्ह भी कहते हैं, रूढ़ चिन्हों से जो दर्शाते हैं इसको हम रूढ़ चिन्ह कहते हैं। कोई कहता है कि रूढ़ चिन्ह किसे कहते हैं, जैसे कुआं, पेड़, वृक्ष, मकान आदि, ये क्या है, रूढ़ चिन्ह है। रेखा चित्र, अब रेखा चित्र एक ऐसा आरेख है जो पैमाने पर आधारित न होकर के यदास्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है,
भैया बहनों, तो क्या करेंगे? आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे हम रेखा मानचित्र कहते हैं। जैसे हम किसी को समझाते हैं कि ये क्वार्टर नंबर है, ठीक है, और तुमको यहाँ जाना है और ये सामान ले आना है, पुस्तक है कोई चीज है, तो आप पहले नकारते हैं, नहीं हमको नहीं पता है, हम नहीं जा पाएंगे। यह आपको पता है कि जब आपको एक ये क्वार्टर नंबर दिया गया है तो आपको तो एक चीज दे दिया गया, अब लोकेशन हम उसको बताते हैं कि वहां एक शिशु मंदिर होगा, टावर होगा, या इस कॉलोनी से ऐसे एक रोड गया होगा, ऐसे आपको एक लोकेशन दिया गया है और उसके आधार पर आप उसको समझ जाते हैं। और कभी कभी नहीं समझते हैं तो क्या करते हैं, पूछते भी हैं कि भैया ये 6B इतना नंबर कहाँ है, तो ऐसे बताने वाला बता भी देता है। परंतु आपको एक नक्शे के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से आपको इस चीज को बताया भी जाता है। अब आते हैं खाका। खाका क्या है? खाका नहीं कहते हैं, एक खाका खींचो, ठीक है, एक रेखा खींचो, एक बिंदु बनाओ, ठीक है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। अर्थात एक छोटे क्षेत्र का क्या, बड़े पैमाने पर खींचा गया। अब देखिए सीधा उल्टा है, वो क्षेत्र क्या है, छोटा है, परंतु उसका पैमाना बड़ा मान करके और एक रेखाचित्र, एक खाका हम बनाते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। अब देखो सही बात है, उसकी लंबाई चौड़ाई हम नहीं दिखा सकते, केवल कमरा ही दिखाएंगे ना, अब कितना लंबाई क्या है ऐसे विधिवत कैसे दिखा पाएंगे। तो जैसे हम उसको नहीं दिखा पाते तो क्या करेंगे, मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। और उसको हम, एक कमरा है, उस कमरे को बड़े आकार में उसको हम दर्शाते हैं और उसके लंबाई चौड़ाई को, तो इस प्रकार से हम किसी को समझा सकते हैं। हम देखते हैं कि इसमें जो रूट चिन्ह है, जो खाका है, जो दिक्सूचक है, जो गांव में रहने वाले खेल के मैदान है, सड़कें हैं, पुल हैं, ऐसे ऐसे चित्र के बारे में, मानचित्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और एक अच्छा ज्ञान लिया। यह ज्ञान हमारे स्थायित्व रूप में बने और इससे हम और आगे अच्छा सीख सकें, यही हमारा भूगोल है। और जो आपको दिया गया है इसमें भैया बहनों गृहकार, कि देखिए इसमें आपको गृहकार दिया गया, एक बनाया गया चित्र भी, और इस चित्र को आप बनाएंगे, मानचित्र किसे कहते हैं, ये सब आपको पढ़ाया गया, इसका उत्तर आप लिखेंगे। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, ठीक है, प्रतीक किसे कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं, एक गांव का मानचित्र अपने कापी के सादे पेज पर सुंदर से बनाइए, दिग्बिंदु वाला मानचित्र बनाइए, जैसे वो आपको दिया गया है। रूढ़ चिन्ह क्या है, कुआं, पोल, रेलवे लाइन इत्यादि, नदी और सीमा, ये रूढ़ चिन्ह है। दिक्सूचक का चित्र बनाइए, ये आप होमवर्क में करेंगे। और जो पाठ के अंत में जो प्रश्न दिया गया है उसको भी आप देख करके लिखेंगे और उसका आपका हल हम सेंड करेंगे, तब तक इसको आप बनाएंगे और पढ़ेंगे। इसी के साथ ये पाठ अध्याय संपन्न होता है, आप ठीक से पढ़ें। धन्यवाद।